अरे ये रावण राज चल रहा है, किसने कहा ये राम राज आ रहा? राम राज होता तो सबका साथ, सबका विकास और 90% लोगों को साथ लेकर चलते, आज क्यों हमारा आरक्षण खतरे में? अरे कहा यार, फिर वही बात कर रहे हो आप, राम राज। अरे ये राम के नाम पर हम लोगों को बांट रहे हैं। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था, कौन लोग थे मरने वाले, कौन थे आंदोलन करने वाले? हमारे ही SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे। एक भी वो जो आज ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए 16 व्यक्ति, उनमें आज एक भी हमारा नहीं है। अरे भाई मंदिर नहीं, हमें अब शिक्षा का मंदिर चाहिए, हमें अब लोकसभा राज्यसभा और बड़ी IPS डॉक्टर इंजीनियर की तरफ चलना है। अब हमें घंटा बजाना नहीं है, अब हम लोगों को शिक्षित होकर देश के मेन डिपार्टमेंट पर, देश की सत्ता पर पहुंचने का काम करना है। आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, सारी सरकारी संस्थानें हिंदू, सभी सभी मंत्री हिंदू हैं, तो फिर किसकी वेट कर रहे हो? क्या इस देश का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? क्या वो हिंदू राज की घोषणा करेगा? मैं इस देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, जब आप नोटबंदी में 8 बजे आकर नोटबंदी कर सकते हो, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा सकते हो, इसलिए अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप ईमानदारी से कहना चाहते हो, तो आज रात को 8 बजे आकर आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दीजिए। किसकी बात देख रहे हो आप? यार विरोध क्यों नहीं करेंगे हम? हमें गुलाम नहीं बनना, हम कर्मयोगी हैं, देशभक्त लोग हैं, हम मूल निवासी हैं देश के। हमने आज़ादी से पहले मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया। ये लोग तो उस समय उनकी गुलामी करते थे, और आज भी देश की अंदर, चाहे वो पेट भरने का काम हो, देश की रक्षा का काम हो सीमा पर, चाहे वो वोट की ताकत से राज्य सरकार के अंदर सरकार बनाने का काम है, कौन बनाता है? हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है कि ये भाईचारा खत्म करने वाला है, आपस में लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करने वाले मामला। इसलिए हम लोग चाहते हैं देश में भाईचारा हो, मानवता हो। ऐसा है अखंड भारत के अंदर, यही अखंड भारत है। कोरोना काल के अंदर लाखों आदमी 1,000 किलोमीटर भूखे पेट भाग रहे थे, हैं, भूखे पेट मर रहे थे, ये अखंड भारत बनाने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल के अंदर कहाँ चले गए थे आप? अरे यही सनातन है, 10% जो फीसदी लोग हैं, मन्नूवादी लोग सारे देश पे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं 75 वर्ष से, सारी देश की सरकारी संस्थानों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, सारी राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे हैं, सारी मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे, यही सनातन धर्म है। देखो ये हिंदू राष्ट्र देश ना पहले था, ना आज है और ना कभी बन सकता। ये जो सेंटर में बैठी हुई जो हिटलर शाही सरकार है, ये सरकार हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे 90% बहुसंख्यक समाज को बांटने का काम करने का, और इसके साथ साथ गुलाम बनाने का काम है। क्योंकि इस देश को आज़ाद भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने कराया, और आज़ादी के बाद भी इस देश के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने योगदान दिया और दे रहे हैं। और अगर ये देश का प्रधानमंत्री ये कहता कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, RSS वाले बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 14 से लेकर 22 आ गया, 23 आ गया आपका, इस 23 साल के अंदर भी आज जो है 9 साल आपको हो गए सत्ता में बैठे हुए, वो साधु संतों का सपना थोड़ी है। सपना तो इस देश के कर्मयोगियों का, जो मूल निवासी है उन लोगों का है सपना, इस देश को आगे ले जाने का, और देश के अंदर हक अधिकार जो हमारा छिन रहा है 75 वर्ष से, उसको हक अधिकार दिलाने के लिए आज हमारे समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और वो रोड पर निकल चुके हैं। आज पूरे देश के अंदर बहुसंख्यक समाज आंदोलन की तरफ चल रहा है। देखो ऐसा है, आज तक किसी भी साधु ने कोई समाधि नहीं ली। ये जो बागेश्वर बाबा को अब लाया गया, ये 24 की तैयारी है। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र में कहना चाहता हूँ, किसकी बात देख रहे हैं? जब इनकी सत्ता है, 9 साल से बैठे हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बनाएगा हिंदू राष्ट्र? कौन कहता काबिल है? आप जो है UPSC के अंदर कोई भी किसी भी साल का रिजल्ट देख लीजिए, रिटर्न के अंदर OBC ST ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नंबर 1 पर आते हैं, लेकिन जैसे इंटरव्यू व्यवस्था में जाते हैं उसी समय पे वही मन्नूवादी के लोग बैठे होते हैं। जो हमारा मेरिट में होता है उसको मेरिट से नीचे निकाल कर उसी 10% को मेरिट में लाकर उसको IAS बनाने का काम करते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, देखिए ये देश के अंदर चल रहा है, ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं कहना चाहता हूँ इस अमृत काल के अंदर 10 का साथ और 90 का विनाश करने का आप काम कर रहे हो। कौन मलाई काट रहा है देश के अंदर? कौन देश को बेक कर रहा है इस टाइम? कौन देश को लूट के भाग रहा है? कहाँ 28 बैंक से 12 हो गए, कहाँ 8 आने के लिए, कहाँ है? कोई भी बहुसंख्यक समाज का एक भी देश लूटने में नहीं है, एक भी देश से भागने में नहीं है, वो हमेशा इस देश के लिए लड़े हैं। मैं अडानी का बिल्कुल विरोध करता हूँ। 14 से पहले अडानी कहाँ था?
आज 14 से लेकर अब 23 के अंदर आज अडानी इस देश का नंबर वन नहीं पूरे वर्ल्ड में छठे सातवें नंबर पर आ गया था, आज 21वें नंबर पर आ गया। किसने बढ़ा दिया एकदम से? पर राष्ट्रव्यापी नहीं, वो राष्ट्रद्रोही आदमी है, उसने सारी देश की सरकारी संस्थाने को जो है अपने अंडर लेकर हमारे लोगों को गुलाम बना दिया, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारा आरक्षण छीन रहे हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म कर दिया है। कहां मान रहे हैं संविधान को? कौन नौकरी दे रहा है? जो हमारे को 1,00,000 रुपए मिलता था वहाँ 15,000 में बंधुआ मजदूर बना दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हमारे कहाँ नौकरियाँ दे रहे हैं हमारे लोगों को? अरे भाई वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको पता है कि ओबीसी 75 करोड़ इस देश में हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, उन्होंने उसको डालकर ओबीसी के अंदर और फिर ओबीसी को बेवकूफ बनाया 14 के अंदर। मैं कहता हूँ वो नकली ओबीसी है, अगर असली ओबीसी होते तो आज SC ST से भी ज्यादा अगर किसी का हक छिन रहा है वो ओबीसी का छिन रहा है। अरे धीरेन्द्र का ही नहीं, अब की बार जो है हम वोट की ताकत से भी और जन आंदोलन कर इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अब की बार हम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ है। ये मिट्टी मिला रहे भूमाफियाओं को यार, ऐसा है वो जो है जाति विशेष लोगों की सरकार है और वो बिल्कुल चुन चुन कर जो लोग उनको वोट नहीं देते, जो लोग इस देश के मूल निवासी है उन लोगों को टारगेट कर आपस में कमजोर करना चाहती है, उनको तोड़ना चाहती है, खासकर किसको? उत्तर प्रदेश में यादव को, मुसलमान को। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी विशेष नहीं, वो देश के लिए लड़ता है, इसलिए उनको पता ये कभी हमारे साथ नहीं आएंगे, इसलिए इनको ऐसा टारगेट करो कि इनके लोग बट जाए। अरे वो राशन कहाँ से दे रहा है? मुफ्त हमारा ही, हमने ही तो उगाया, कौन उगाता इस देश के अंदर? किसान कौन है? किसान मूल निवासी है, हमारे लोग हैं 90% लोग। हाँ तो EVM में गड़बड़ क्यों नहीं? कौन कहता EVM में गड़बड़ नहीं है? कौन कहता EVM में गड़बड़ नहीं है? EVM का मुद्दा अभी 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर संयुक्त बहुसंख्यक समाज के मंच के द्वारा एक जातिगत जनगणना और बुलेट पेपर से चुनाव, EVM हटाओ भाजपा भगाओ, EVM हटाओ संविधान बचाओ, EVM हटाओ वोट की ताकत बचाओ, लेकर पूरे देश के बहुसंख्यक समाज के संगठनों को लेकर करोड़ों लोग 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में पहुंचकर इस होने वाले संसद के सत्र में अपनी आवाज को उठाएंगे। अभी हमारे लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता लग गया कि पहले नंबर मेरा था, अब की बार उसका है, कहीं ना कहीं अगली बारी हमारी है, इसलिए बहुसंख्यक समाज के लोग अब उनके संगठन उनके नेता जागरूक हो चुके हैं। 24 की तैयारी करेंगे लोकसभा चुनाव की और वो वोट की ताकत से करेंगे हम। हाँ तो BJP तो तैयारी शुरू से ही करती है, कहाँ करती है कि EVM सेट करना उसको और हम लोग रोड पर उतरेंगे और हमारी वोट की ताकत को छीन लेंगे। इस देश में 14 से लेकर अब तक हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें तो पता है कि ये छलावा है, ये सिर्फ वोट को बांट कर भाईचारा खराब करने के लिए, हम लोगों को हिंदू मुसलमान से लड़ाने के लिए, हमारे अंदर गैप बनाकर डिवाइड एंड रूल के हिसाब से ये वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर इनको ईमानदारी से बनाना है, पहली बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदू राष्ट्र ना पहले था ना कभी बन सकता, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर हमारे लोगों को बांटकर भाईचारा खराब कर वोट लेकर। हम तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं हमारे 14 से पहले वाले दिन लौटा दो, जो 500 रुपए की गैस थी, जो 60 रुपए का पेट्रोल था, जो हमारी सब्जियां सस्ती थी, हमारा सब कुछ सस्ता था, हमारे पास नौकरी थी, वो हमारे दिन लौटा दो। हम तो ये कह रहे हैं ये दिन अच्छे जो है आप अडानी अंबानी को आपने दे दिए और 90% लोगों के बुरे दिन आ गए। अगर ये देश की गोदी मीडिया ना सच्चाई दिखाने लग जाए तो काम नहीं है, उसने इस देश को कहा था मैं बिकने नहीं दूंगा। आज लगातार 14 से 23 के अंदर देश की गेल बेल रेल हवाई अड्डा बस अड्डा सब फेंक दिया। क्या कर रहा है ये इसलिए कर रहा है कि बहुसंख्यक समाज के लोग अब पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर IPS MLA MP बन रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ समय बाद ये लोग हिस्सेदारी मांगेंगे, ये हमारे साथ बैठेंगे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जो भी शूद्र की बात करता है मैं उसका समर्थन नहीं करता। अब हमें शूद्र नहीं बनना, शूद्र किसने बनाया था आपको? किसने बनाया था शूद्र आपको? जो भागवत जी ने कहा कि पंडित जी ने बनाया, और भागवत भी पंडित जी है, तो ब्राह्मण और पंडित जी को अलग अलग कर रहे हैं, देखो कितना मजा। ये RSS का मुखिया है, कहीं ना कहीं आज का भी उनका बयान है कि कुछ जो है पंडितों ने इतिहास के अंदर गलत चीजें लिखकर ग्रंथ में हमारे लोगों को गुमराह किया। अरे भागवत जी आपकी तो सरकार चल रही है 9 साल से, आप इस ग्रंथ को बदल दीजिए, जो दोहे हैं उनको बदल दीजिए और नया ग्रंथ लिख दीजिए जिसके अंदर हमारा
हमारा ये है कि इसमें हमारे खिलाफ लिखा हुआ, हम ये कहते हैं कि उसमें आप बदल कर हमारे पक्ष में नहीं, आप असली ग्रंथ लिख दीजिए अगर है तो। अरे अखिलेश जी को अब याद आई है जब सत्ता चली गई है, पहले तो वही मनुवादी उसके अगल बगल घूमते थे, घर में भी वही बैठे हुए हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन मुझे ये सच्चाई कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज शूद्र कहने से काम नहीं चलेगा। आज ST SC OBC के हक अधिकार की आवाज़ उठाना, उसके साथ उसको लेकर चलना, उसके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाना और उसको अपने साथ लेकर हर चुनाव के अंदर लेकर चलना पड़ेगा। जब अखिलेश जी की सत्ता में आएंगे, शूद्र बनने से नहीं आएंगे।